आपका हमारे चैनल में। इस वक्त हमारी टीम मौजूद है बुद्ध निकेतन स्कूल में, जो छोटपुर के पास पड़ता है, और यहाँ पे हमारी मुलाकात, यहाँ के प्रिंसिपल सर से मुलाकात होती है, द्वारिका प्रसाद राम, जो प्रदेश सचिव बसपा सीवान के हैं। आइए हम इसे डायरेक्ट जानते हैं, इस स्कूल की विशेषताएं और खूबियाँ। सर, बहुत बहुत हमारे चैनल में आपका स्वागत है, एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ द्वारिका प्रसाद राम। ये बुद्ध निकेतन स्व आदर्श सरस्वती विद्या मंदिर का मैं प्रिंसिपल हूँ। प्रिंसिपल ही नहीं, मैं इसका एक स्वीपर से लेकर के प्रधानाचार्य तक हूँ। अच्छा सर, इस स्कूल की शुरुआत कब हुई थी? इस स्कूल का मैंने शुरुआत किया था 1978 जुलाई महीना से। कितना साल हो गया सर अभी तक? अभी तक आपका लगभग 45 वर्ष लगभग चल रहा है। 45 वर्ष? 45 वर्ष में बहुत सारी दिक्कतें आई होंगी, उसके बारे में बताइए। वो तो बहुत सारी दिक्कत, मनुष्य में जब आदमी जन्म लिया है तो बहुत सारी दिक्कतें आती जाती रहती है। उसके लिए यदि कहा जाए तो बहुत कुछ होगा, लेकिन नहीं, कुछ उतार चढ़ाव के साथ यहाँ के लोगों से काफ़ी हमें मान सम्मान मिला, आदर मिला, और आज ये इतने दिन विद्यालय चलाते हुए हो गया। मेरे विद्यालय से केवल IAS IPS न हो करके बाकी डॉक्टर, इंजीनियर, BDO, CEO, दरोगा, मिलिट्री में बहुत सारे पद पर, बड़े बड़े पद पर विराजमान हैं मेरे इस स्कूल के पढ़े हुए बच्चे। सर, अब तक आपने जैसे बताया कि हम कभी इंटरव्यू नहीं दिए टीवी में अपने स्कूल के पढ़े, क्यों नहीं दिए? हम इसलिए नहीं दिए कि मैं हैंडबिल पोस्टर अपने बच्चों को ही बनाता हूँ। जिस समय बच्चे किसी गांव से, एक दो बच्चे आ गए और यहाँ से वे अनुशासन, चरित्र और शिक्षा इस तरह के ले गए, उनके व्यवहार से अगले साल वहाँ से 10-20 बच्चे आ जाते हैं। इसलिए मैं हैंडबिल पोस्टर का जरूरत नहीं समझा। सर, एक बात और कि जैसे ये स्कूल किस किस क्लास तक यहाँ पढ़ाई होती है? यहाँ ये ऐसे हमारे बोर्ड पर 1 से 8 तक है, लेकिन छोटे बच्चों को भी या नर्सरी LKG भी पढ़ाई जाती है, उनको भी पढ़ाई जाती है। सर, आपके पीछे जैसे देखा जा रहा है बहुत सारे ऐसे विद्वान लोगों की तस्वीरें तो है, लेकिन उसके बावजूद ये जो कप वगैरह भी रखा हुआ है, जो कि नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया है, नेशनल अवार्ड काउंसिलिंग कोलकाता, ये बहुत सारे कप ये सब है, तो ये सब के बारे में जरा एक बार बता दें। यह हमारा जो संगठन प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन है, जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है, और हमारे इस संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर समायल अहमद साहब, और जब ये सरकार की तरफ से जो हुआ कि अब ताला लटकेंगे निजी विद्यालयों पर, उस समय हम लोगों ने इस संगठन को तैयार किया, और उस संगठन के अध्यक्ष रहे, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और तब हम पूरे देश के पैमाने को, जितने राज्य हैं सभी राज्य में हम लोग को समय समय पर राष्ट्रीय सम्मेलन होता है, जो पूरे आपके दक्षिण गोवा से लेकर के इधर नेपाल के बॉर्डर तक, और इधर आसाम से लेकर के गुजरात तक के बीच में, कश्मीर, श्रीनगर, जितने क्षेत्र है, और जगह, हर जगह हम लोग का कार्यक्रम होता है, जहाँ जाने का मौका मिलता है, और वहाँ जाने पर वहीं से सब सारा लोगों ने सम्मानित किया। अच्छा सर, जैसे कि आप इस स्कूल में कितने सालों से पढ़ा रहे हैं? मैं ही इसका संस्थापक हूँ। तो काफ़ी अनुभव रहा होगा आपका, और अनुभवी हैं भी। सर, एक बात और कि जैसे कि आजकल स्कूल और कोचिंग के माफी क्या होता है कि लोग कोचिंग पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, स्कूल में पढ़ने के बावजूद भी, या फिर स्कूल ना पढ़ा करके जो लोग कोचिंग कराते हैं,
सर इस पे जरा आप अपनी नजर थोड़ा सा डालें। देखिए भाई क्या वजह है, क्या स्कूल में कमियां होती है पढ़ाने में? जब हम पढ़ते थे 60 के पहले हाई स्कूल में गए और वहां जो बच्चे कमजोर हुआ करते थे, हमारे सर लोग इतना बढ़िया से पढ़ाते थे, इतना बढ़िया समझाते थे, और हम लोग को वहाँ ही, मैं तो कहता हूँ कि मैं जहाँ जहाँ पढ़ा हूँ सर लोग का ही देन है कि आज इतना उम्र में 80 बरस की उम्र मेरा हो गया फिर भी कहीं किसी को उंगली उठाने का काम नहीं किया। वहाँ कमज़ोर जो जिस विषय में होते थे सर लोग स्वयं कहते थे कि नहीं एक घंटा रुकना है, छुट्टी के बाद एक घंटा पढ़ाते थे। लेकिन आज के शिक्षा व्यवस्था इस तरह का चरमरा गया है, विशेष करके सरकारी शिक्षा व्यवस्था, किसी भी सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। उनका पेमेंट मोटा मोटा राशि तो उनको मिल जाता है लेकिन वो आने जाने में ही चले जाते हैं, चाहे हाई मिडिल स्कूल हो, चाहे हाई स्कूल हो या कॉलेज हो, कहीं पढ़ाई नहीं हो रही। और वही लोग कोचिंग चलाते हैं, इस कोचिंग चलाते हैं जो शिक्षा का कुछ स्तर बचा हुआ है वही लोग कोचिंग में पढ़ाते हैं, पैसा लेते हैं, और उसके बाद भी ये प्राइवेट स्कूल जो है जो शिक्षा का बहुत बड़ा स्तर बचाए रखा है। तो प्राइवेट स्कूल में भी तो सर ऐसा प्राइवेट टीचर ही पढ़ाते हैं, ये भी हाँ प्राइवेट टीचर पढ़ाते हैं, वो कम पैसा लेकर के बहुत अच्छे तरीका से पढ़ाते हैं। जो टीचर सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं वही प्राइवेट कोचिंग चला रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? और उसमें अच्छा पढ़ा रहे हैं और सरकारी स्कूल में अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं? इस तरह की बात है कि सरकारी टीचर जो लोग हैं वो तो बहुत कम कोचिंग चलाते हैं, बहुत कम कोचिंग चलाते हैं, इन्हें गिने पढ़ाते हैं। लेकिन हमारे जो प्राइवेट विद्यालय में जो बच्चे हैं जो बढ़िया जिनकी क्वालिटी है तो कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, तो प्राइवेट स्कूल में तो मुश्किल से 5,000, 7,000, 10,000 ज़्यादा से ज़्यादा यही मिलता है। वो चाहे आपके इस ज़िला में डॉन बॉस्को हो, संघमित्रा हो, आपके बिहार पब्लिक स्कूल हो या इमानुएल हो, ये सब स्कूल में तेज तरार शिक्षक रखे गए हैं। जो मजबूरी है उनको कम पैसा में काम करना, लेकिन वही लोग फिर कोचिंग चलाकर उससे कुछ अपना मैनेज करते हैं। आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है कि जैसे सरकारी शिक्षक को ज़्यादा पैसा मिल रहा है, यहाँ आपको प्रॉब्लम है? ना इसमें प्रॉब्लम नहीं है, उसमें तो काफ़ी कॉस्ट है, प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए कि एक पुराने टीचर को 1,00,000, 1,50,000, 90,000 मिल रहा है, नए शिक्षा मित्र को 30, 35, 40,000 मिल रहा है, इससे काफ़ी है, सबको तकलीफ है, कि उनको भी उतना मिलना चाहिए। हाँ, इस सरकार जो दोहरी सरकार दोहरी नीति चला रही है अभी बहुत खराब है, तो शिक्षा पर असर पड़ना, शिक्षा का कमजोर होना ये भी एक कारण है। अच्छा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने ये जो पहल किया, जो शिक्षा मित्र में बहुत सारे लोगों को और जो गांव-गांव में स्कूलें खोले सरकारी स्कूल, इससे तो बहुत मतलब कि शिक्षा में जागरूकता भी हुई है, क्योंकि जो बच्चे घास वास चलते थे या खेत में रहते थे, जो पढ़ने नहीं जाते थे, स्कूल का शक्ल नहीं देख पाते थे, वो लोग को भी स्कूल देखना पड़ रहा है। ये जरूरी नहीं कि सरकारी स्कूल प्राइवेट के मुकाबले एक बराबर हो, लेकिन कम से कम शुरुआत तो हुआ है ना। ये भी उन्होंने जो किया ये अच्छा इसको कहेंगे, लेकिन दूसरी बात है कि आज जगह जगह स्कूल खोल करके व्यवस्था गड़बड़ाया हुआ है, चरमराया हुआ है, और दोष नीचे नहीं है, वो शिक्षक में नहीं है। सरकारी स्कूल में भी जो टीचर जरूर हैं, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन ऊपर से ही ढीला ढाला है, क्योंकि कोई व्यवस्था ऊपर से ही चलती है, अनुशासन ऊपर से आता है, निचला पालन करता है। ढीला ढाला वहीं पर है जिसके चलते, ढीला ढाला के चलते आज वहाँ भी, चूँकि शिक्षक पर बहुत बड़ी और बात है कि उनका जितना पशु गणना से लेकर घर गणना सब कुछ उन्हीं पर वो लाद दिए हैं, उनसे सारी सरकारी काम उन्हीं के द्वारा किया जाता है। एक शिक्षक को शिक्षा के ऊपर ही उनको रखना चाहिए और उन पर ध्यान देना चाहिए कि हाँ आप बढ़िया से बच्चों को पढ़ाइए। बहुत अच्छी बात सर, एक बात और आ गई इसी में निकल गए, जैसे कि सरकारी स्कूल के बारे में लोग बोल देते हैं भला बुरा बात, लेकिन सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो तो थोड़ा सा लोएस्ट, आप समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब,
और प्राइवेट स्कूल में क्या होता है आजकल कि नामी गिरामी जो स्कूलें होते हैं वो क्या करते हैं, गार्जियन का ही पूछते हैं एजुकेशन कितने पढ़े लिखे हैं, अगर वो पढ़े लिखे नहीं है तो कई जगह ऐसा होता है कि एडमिशन तक नहीं लेते हैं। तो जब सारा मलाई कोफ्ता आप ले लेंगे तो फिर सरकारी के पास क्या बचेगा, वही ना बचा रहेगा। ठीक है, ये भी बात ठीक है। जो प्राइवेट स्कूल जो बड़े बड़े जैसे डन बॉस्को वगैरह मैंने नाम लिया, संगमित्रा चाहे मैनुअल हो चाहे महावीरी हो, ये सब लोग जो गार्जियन का इंटरव्यू लेते हैं, यही नहीं पूरे देश के पैमाने पर, लेकिन आप जानते हैं कि ये देश में शिक्षा सबके लिए शिक्षा से वंचित किया गया था। यहाँ शिक्षा दीक्षा केवल राजा मंत्री पुरोहित उन्हीं के पढ़ाई और उनके बेटे पढ़ते थे, बेटियाँ भी नहीं पढ़ती थी। और आज भी ये लोग जो इंटरव्यू लेते हैं गार्जियन का, बहुत हमारे गांव में आज भी गार्जियन है जो कौन नहीं जानते हैं, अब उनका हम क्या इंटरव्यू दें, वो कहाँ जाकर पढ़ेंगे। लेकिन मेरा एक ये बुद्ध निकेतन जो है, जो अनपढ़ घर के बच्चे को मैं ले आता हूँ और उनको पढ़ा करके उनको शिक्षा अनुशासन चरित्र बना करके मैं इस इलाका में बहुत अच्छा बनाने का काम किया हूँ। समाज को क्या संदेश देंगे अपने माध्यम से शिक्षा के प्रति? अब समाज घंटी बजा दीजिए, समाज का तो हम संदेश बराबर देते हैं कि भाई अपने बच्चों को पढ़ाइए, आप भले ही खाने के लिए बर्तन नहीं है तो पत्ती पर अपना रोटी सब्जी खा लीजिए, पतल पर ही भात दाल खा लीजिए, लेकिन बच्चों को आप अपने समझ से बढ़िया बढ़िया स्कूल में पढ़ाइए और बच्चों पर नज़र रखिए, क्योंकि पहला गुरु माता पिता ही होता है। लेकिन इस देश का जो पूर्व में 6743 जातियाँ बनाई गई थी और हर जाति को अलग अलग जगह में रखा गया था, आज उसका भी प्रभाव है ना, जिसके चलते जाति का प्रभाव भी है। धन है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने बहुत गरीबी में उन्होंने देश में विश्व में 6 विद्वानों में उतना कष्ट उन्होंने पढ़ा कि 6 विद्वानों में पहला विद्वान है। और बाबा साहेब ने इस व्यवस्था से लड़ करके, कांग्रेस और अंग्रेजों से लड़ करके सबके लिए शिक्षा का दरवाज़ा जो खोलने के काम किया, आज उसका देन है कि गरीब लोग भी अपने बच्चे बच्चियों को जो समझ गए हैं वो कष्ट उठाकर भी पढ़ाने का काम करते हैं। आज हमारी बच्चियाँ जो शिक्षा से एकदम 100% वंचित की गई थी, आज वो बच्चियाँ बच्चों से बहुत आगे हैं, बच्चे से बहुत आगे थी पर जा रहे हैं। तो ये बाबा साहब, विशेष करके बाबा साहब और उनके साथ हमारे संत गुरु महापुरुष जैसे शिक्षा के देवी आज सरस्वती जी को माना जाता है, लेकिन शिक्षा के प्रथम शिक्षिका माता सावित्री बाई फूले हैं, ज्योतिराव फूले हैं, और शिक्षा का प्रयोग करने वाले छत्रपति साहू जी महाराज हैं, जिन लोगों ने संत शिरोमणि रविदास जी महाराज हैं, संत कबीर हैं, जिन लोगों ने अनपढ़ थे लेकिन शिक्षा पर अभी जो जो बात उन लोगों ने किया जो आज शुद्ध हो रहा है उसे लोग सीख रहे हैं, डॉक्टरेट कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो उन्हीं का सब का कृपा है। लेकिन आज इस बात को कहने में मुझे तकलीफ हो रही है कि एक चपरासी भी कहीं काम कर रहा है तो अपना बच्चा को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा रहा है, न्यू स्तर में कहीं ना कहीं निजी स्कूल में पढ़ा रहा है। मैं निजी स्कूल जरूर चलाता हूं, मैंने इसका विरोधी भी हूं कि निजी स्कूल यदि ठीक से शिक्षा दीक्षा नहीं देता है, विडम्बना पैदा करता है, तो निजी स्कूल को उस इलाका के लोगों को उसको बंद करा देना चाहिए। मैं विद्यालय चलाता हूं, निजी विद्यालय चलाता हूं, मेरे बच्चे मेरे शिक्षक सबको मैं एकदम कंट्रोल करके रखता हूं कि भाई ये बच्चे हमारे धरोहर हैं, ये बच्चे जो जैसे आज अपनापन की बात होगी अपने अपने बच्चे के लोग अच्छा अच्छा जगह चुनता है, लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं, यहां जो मेरे बच्चे आए हैं चाहे कहीं भी हैं वो हमारा धरोहर हैं, देश का धरोहर हैं। आज ये बच्चे अच्छा बनेंगे तो देश अच्छा।